आइए फ्रेंड्स, आपको मैं हमारे पुष्पक नगर में नए प्रोजेक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन देता हूँ। ठाकुर नीलकमल करके हमारा एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, सेक्टर 8, प्लॉट नंबर 126 में, पुष्पक नगर में। पुष्पक नगर का मैप तो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था। ये सेक्टर 8 में प्लॉट नंबर 126, ऑपोजिट टू स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्टेडियम, जो सेक्टर 9 में है उसके एकदम सामने है। बीच में 20 मीटर्स का रोड रहेगा। तो ये प्लॉट एग्जैक्टली इधर लोकेटेड है। 1690 स्क्वायर मीटर का ये प्लॉट का साइज है। सामने 20 मीटर रोड और उसके एकदम ऑपोजिट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्टेडियम है। पास में कनेक्टिविटी के लिए आपको इस तरफ मेट्रो स्टेशन आ रहा है, इधर डी मार्ट रहेगा, 5 स्टार होटल्स रहेंगे आजू बाजू में, पेट्रोल पंप्स है, फिर वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको भाजी मार्केट मिल जाएगा, बस डेपो मिल जाएगा, स्कूल, प्लेग्राउंड, गार्डन्स, हर एक चीज़ नियर बाय है ये लोकेशन में। आइए अभी आपको प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा डिटेल देता हूँ। ये G+12 स्टोरी का टावर प्रपोज्ड है। इसका CC आ चुका है, ये इसका रेरा नंबर है, QR कोड है हमारा ये रेरा का। ग्राउंड फ्लोर पे शॉप्स रहेगी, बेसमेंट में पार्किंग है, फर्स्ट फ्लोर पे ऑफिसेज एंड पार्किंग एंड एमिनिटीज भी दी हुई है हमने, एंड रूफ टॉप पे भी हमने एमिनिटीज का प्रोविजन दिया हुआ है। ये बिल्डिंग का नाइट एलिवेशन है। ये भी फ्लोर प्लान से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये बेसमेंट फ्लोर प्लान है, अंडरग्राउंड पार्किंग रहेगी बिल्डिंग की, एक लेवल नीचे ग्राउंड लेवल के। 3 लिफ्ट देने वाले हैं, 2 पैसेंजर लिफ्ट रहेगी, एक स्ट्रेचर लिफ्ट रहेगी। तो आप आपकी कार इधर पार्क करके फिर लिफ्ट से लेके आप आपके फ्लैट लॉबी तक जा सकते हैं। ये ग्राउंड फ्लोर का प्लान है। ग्राउंड फ्लोर में ये इधर एंट्री गेट, इधर एग्जिट गेट, ये पूरा ड्राइववे रहेगा आपका। इधर से आप गाड़ी एंटर करके ये आपका लॉबी एरिया रहेगा, रिसेप्शन एरिया जैसे बोलते हैं, बिल्डिंग का मेन लॉबी एरिया। ये हम लोग इसको डिजाइनर लॉबी देने वाले हैं, जिसमें 3 लिफ्ट्स रहेगी। इधर बाकी पार्किंग स्पेसेस भी अवेलेबल है। 6 शॉप्स दी हुई है इसमें। सामने 20 मीटर का रोड है और इसके सामने जैसे मैंने बताया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्टेडियम प्रपोज्ड है। फर्स्ट फ्लोर में ऑफिसेज का प्रोविजन दिया हुआ है, उसका सेपरेट एंट्री एग्जिट है। उसका बिल्डिंग का और रेजिडेंस के साथ कुछ भी मिक्सअप नहीं है, उनका सेपरेट एंट्री और एग्जिट है। बाकी फर्स्ट फ्लोर पे थोड़ा पार्किंग स्पेस दिए हमने, कार लिफ्ट रहेगी, कार लिफ्ट के द्वारा आप फर्स्ट फ्लोर पे आके कार पार्क कर सकते हैं। फर्स्ट फ्लोर पे हमने एक जिमनेशियम का भी प्रोविजन दिया है विथ चेंजिंग रूम, इंडोर गेम्स रूम दिया है, सोसाइटी ऑफिस दिया है, उसके अंदर भी वॉशरूम वो सब का फैसिलिटीज हमने दिया हुआ है। आप सेकेंड फ्लोर पे आते हैं तो सेकेंड फ्लोर पे आपको थोड़े टेरेस फ्लैट्स देखने मिलेंगे। 2 BHK टेरेस आ जाते हैं, 1 BHK टेरेस फ्लैट्स आ जाते हैं। ये थर्ड फ्लोर से लेके 12th फ्लोर तक का टिपिकल फ्लोर प्लान रहेगा। एक फ्लोर पे 9 फ्लैट्स हमने दिए हुए हैं। ये फ्रंट के जो 2 फ्लैट्स देख रहे हैं ये आपके 2 BHK के फ्लैट्स हैं। बाकी ये 7 फ्लैट जो है ये आपके 1 BHK के फ्लैट्स हैं। लॉबी काफ़ी बड़ी दी है, टी शेप में लॉबी दी हुई है। ये बीच में लिफ्ट लॉबी हो गया और ये पूरा फ्लैट्स लॉबी हो गया। तो 1 BHK आपको ड्राइववे फेसिंग आ जाता है और 2 BHK आपको रोड फेसिंग आ जाता है। 1 BHK का साइज भी काफ़ी अच्छा दिया है इसमें। 1 BHK का साइज आपको दिखाता हूँ मैं आगे। रूफ टॉप पे हमने एमिनिटीज दी है, गजेबो, योगा मेडिटेशन सेंटर, जॉगिंग वॉकिंग ट्रैक, लॉन एरिया, किड्स प्ले एरिया, फिर सिटिंग एरिया, व्यू डेक है, आप स्टेडियम का व्यू ले सकते हैं, यहाँ से बच्चे लोग अपना खेल सकते हैं। छोटा मोटा फंक्शंस अगर आपको इधर करना है तो फंक्शंस हो सकता है। तो ये सारी फैसिलिटीज रूफ टॉप पे हमने एमिनिटीज के तौर पे दी है। अभी साइज को लेके आते हैं। 1 BHK का काफी अच्छा प्रीमियम साइज दिया है। ये प्रोजेक्ट में हम लोग ने एक स्टैंडर्ड साइज रखा हुआ है 1 BHK का। आप इसका लिविंग देखेंगे तो 17.5 बाय 9 का सिर्फ डाइनिंग हॉल लिविंग एरिया ही दिया है।
काफ़ी बड़ा है। जनरली आपको 9 बाय 12, 9 बाय 13 का लिविंग्स देखने मिलता है। इधर हमने काफ़ी हॉल के लिए काफ़ी बड़ा प्रीमियम चीज़ रखा हुआ है। उसके साथ में आपको एक बालकनी भी मिल जाती है, साथ में बालकनी भी दी हुई है हॉल के साथ अटैच। फिर आप किचन का भी साइज़ देखेंगे तो किचन का साइज़ भी काफ़ी अच्छा है। 7.10 बाय 6.11 का किचन का साइज़ दिया है, तो आपका काफ़ी साथ में दो तीन लोग मिलके भी किचन में एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। उसके साथ में अटैच छज्जा है। फिर ये आपका कॉमन वॉशरूम आ जाता है, जिसमें बेसिन, WC एंड बाथ एरिया, शावर एरिया रहेगा। एंड आप अंदर जाएंगे तो आपको ये बेडरूम एरिया मिलेगा। बेडरूम भी हमने किंग साइज़ बेडरूम दिया हुआ है। जनरली ये साइज़ आपको 2 BHK में देखने मिलेगा। 11.5 बाय 9.5 का बेडरूम का साइज़ दिया हुआ है। उसके साथ अटैच वॉशरूम भी हमने दिया हुआ है। उसमें भी आपको शावर एरिया, WC एंड वॉश बेसिन देखने मिल जाता है। तो ये 1 BHK का साइज़ बहुत प्रीमियम दिया है हमने। पूरे पुष्पक नगर में आपको ऐसा साइज़ देखने नहीं मिलेगा। और ये प्रोजेक्ट में सबका सिमिलर साइज़ है, सारे फ्लैट्स का ऐसा ही साइज़ रखा है हमने 1 BHK का। ये इसका थोड़ा फर्नीचर लेआउट है, अगर आप देख सकते हैं तो। अभी आपको मैं 2 BHK का प्लानिंग दिखाता हूँ। 2 BHK का प्लानिंग भी काफ़ी अच्छा दिया है। इसमें एल शेप का लिविंग रूम दिया है। इसके साथ हॉल में आपको बालकनी मिल जाती है। एंड ये आपका पूरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्टेडियम फेसिंग रहेगा। 2 BHK के ये हॉल और दोनों बेडरूम आपके स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्टेडियम फेसिंग आ जाते हैं। किचन में भी हमने बालकनी दिया हुआ है। ये पैसेज एरिया आ जाता है। ये आपका कॉमन बेडरूम, कॉमन बाथरूम, ये मास्टर बेडरूम विद अटैच टॉयलेट। इसका भी साइजेस 2 BHK का काफ़ी अच्छा दिया है, बेहतरीन दिया हुआ है। इसमें आप प्रॉपर एल शेप लिविंग डाइनिंग के लिए अलग जगह मिल जाती है आपको। तो उस कॉन्सेप्ट में हमने इसका प्रपोज किया हुआ है। ये इसका फर्नीचर लेआउट है। इसमें हम लोग ने 1 BHK के साथ एक और कॉन्सेप्ट रखा है, 1 BHK जोड़ी फ्लैट। जिसको समझो दो ब्रदर्स रहते हैं या दो फ्रेंड्स रहते हैं जिनको बाजू बाजू में रहना है, या इन्वेस्टमेंट के लिए कोई दो फ्लैट लेना चाहता है जिसको 2 BHK से भी बड़ा साइज चाहिए रहता है। तो एक इसको 1 BHK क्लब करके 2.5 BHK या 3 BHK भी कन्वर्ट हो जाता है। तो जैसे ये दो फ्लैट है बाजू बाजू में, ये बीच का आप पार्टीशन वॉल हटा देंगे तो आपका हॉल काफ़ी बड़ा हो जाता है। ऑलमोस्ट 18 बाय 17.5 फीट का आपका लिविंग एरिया हॉल हो जाता है। तो ये काफ़ी बड़ा साइज़ है। ये सब आपको जनरली 4 बेड या 5 बेड में इतना बड़ा हॉल देखने मिलता है। उसके साथ आपको ये बालकनी भी, काफ़ी बड़ी बालकनी मिल जाएगी। फिर एक किचन को, दो किचन में से एक किचन को आप पूजा रूम या किड्स रूम या वर्क स्टेशन ऑफिस टाइप भी बना सकते हैं। एंड आपको 4 बाथरूम मिल जाते हैं, इसमें 2 बेडरूम्स आ जाते हैं। तो ये काफ़ी स्पेशियस और काफ़ी अच्छा फ्लैट बन जाता है, 1 BHK जोड़ी फ्लैट। बाकी हमारे ये सब पास्ट कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स है। नेरुल, सीवुड्स, उलवे, जूही नगर, सानपड़ा एंड आउट ऑफ महाराष्ट्र भी हमने लखनऊ, मध्य प्रदेश, वो सब जगह पे भी हमने हमारे प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हुए हैं। ऑलमोस्ट 15+ प्रोजेक्ट्स हमारे पास्ट में डिलीवर्ड है। ये थोड़ा पेमेंट शेड्यूल आ जाता है। जैसे आपको अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है ये, तो आपको धीरे धीरे पेमेंट के अकॉर्डिंग करना है, तो आप उस तरीके से भी आप जा सकते हैं। तो ये था हमारे प्रोजेक्ट का इन्फॉर्मेशन। थैंक यू। आपको होप सो अच्छा लगा। अगर आपको प्रोजेक्ट पसंद आया तो विजिट कीजिए, और आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन, प्राइजिंग, वो सब हर एक चीज़ बता के इसमें आप बुकिंग कर सकते हैं। थैंक यू।